झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को रांची से देश के अन्य हिस्सों के लिए राज्य की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। राज्य नागरिक उड्डयन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सोरेन ने सेवा को हरी झंडी दिखाई। इसके लिए रेडबर्ग एयरवेज के एक विमान को लीज पर लिया गया है। यह सेवा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, वाराणसी, लखनऊ और तिरुपति जैसे स्थानों के लिए 3 से 8 लाख रुपए के बीच की दरों पर प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सेवा गंभीर रूप से बीमार लोगों को समय पर बेहतर उपचार प्रदान करने के लिए एक प्रयास है। राज्य सरकार उन लोगों को सेवा देने पर भी विचार कर रही है जो किराया वहन करने में असमर्थ है। उन्होंने कहा कि राज्य के नागरिक उड्डयन विभाग ने एयर एम्बुलेंस सेवा के लिए एक प्रकोष्ठ यानी कि सेल की स्थापना करेगी, जिसका लाभ फोन कॉल और ईमेल के माध्यम से उठाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रकोष्ठ को सेवा के बारे में पूछताछ के लिए 250 से अधिक कॉल आए हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि उनका प्रशासन प्रमुख सड़कों के किनारे हेलीपैड स्थापित करने का इरादा रखता है ताकि दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल लोगों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया जा सके। उन्होंने कहा कि एयर एम्बुलेंस सेवा बहुत जल्द राज्य के अन्य जिलों से भी शुरू की जाएगी। अन्य गंतव्यों के लिए किराया 1.10 लाख रुपये प्रति घंटे होगा। सोरेन ने कहा कि विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जा रहा है और दूर दराज के इलाकों में मोटरसाइकिल एम्बुलेंस शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने ट्वीट में कहा कि आज बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से झारखंड की जनता के लिए एयर एम्बुलेंस का शुभारंभ करने का सौभाग्य मिला। गंभीर रूप से बीमार लोगों को ससमय बेहतर इलाज उपलब्ध कराने में यह एक प्रयास है। इस सेवा का उपयोग सिर्फ जो पैसे दे सकते हैं वही कर पाएंगे ऐसा नहीं है। इसमें आवश्यकतानुसार जो पैसे नहीं दे सकते हैं उनके लिए भी एयर एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाने और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की मंशा सरकार की है।